हेलो एवरीवन, वेलकम टू 24 आवर्स डिफेंस। आज हम बात करेंगे एफकैट एंट्री के बारे में, आपको फुल इन्फॉर्मेशन देंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहें। वर्ल्ड्स फोर्थ बिगेस्ट एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स, अप्रॉक्स 40 फाइटिंग स्क्वाड्रन्स एंड 100 अदर यूनिट्स एंड विंग्स, अप्रॉक्स 170,000 ऑफिसर्स एंड एयरमैन, अप्रॉक्स 20,000 एयरक्राफ्ट, हाईली मॉडर्न एंड इफिशियंट मिलिट्री आर्टिलरी मिसाइल्स एंड अदर मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स, जिनका स्लोगन है नभम स्पर्शम दीप्तम मीन्स टच द स्काई विद ग्लोरी। इंडियन एयरफोर्स एक बेहतरीन करियर ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो एक एडवेंचरस लाइफ जीना चाहते हैं, और एफकैट एंट्री एयरफोर्स की सबसे बड़ी एंट्री है ऑफिसर्स के सिलेक्शन के लिए। अब एयरफोर्स की एनसीसी एंट्री और मेट्रोलॉजी एंट्री का फॉर्म भी एफकैट के साथ ही आता है, और इन सभी में न सिर्फ लड़के बल्कि लड़कियां भी अप्लाई कर सकती हैं। काफी सारे एस्पिरेंट का ये मानना है कि एनडीए और सीडीएस के कंपैरिजन में एफकैट का एग्जाम काफी आसान है, लेकिन इसमें पार्टिसिपेट करने वालों की संख्या काफी कम होती है। इसका मेन रीजन ये है कि एफकैट के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन थोड़ा ज्यादा होती है और एनडीए और सीडीएस के मुकाबले ये एग्जाम इतना मशहूर नहीं है। जैसा कि अब रिक्रूटमेंट अग्निपथ स्कीम के थ्रू होगी, तो अगर आप एयरफोर्स में किसी भी पोस्ट पर सर्विस दे रहे हैं तो एफकैट एक अच्छा मौका है आपके लिए। अगर आप ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपका एक्सपीरियंस और आपकी स्टडी काफी काम आएगी आपके एफकैट एग्जाम में, और अगर आप एयरफोर्स में कार्यरत हैं तो आपको प्रेफरेंस भी मिलेगा। एफकैट के फॉर्म में ये पूछा जाता है कि आप एयरफोर्स के एम्प्लॉई हैं या नहीं, और एफकैट का एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको एक अच्छा खासा प्रेफरेंस मिलता है एसएसबी इंटरव्यू के दौरान। एयरफोर्स में सर्विस दे रहे स्टूडेंट्स के लिए एफकैट का एग्जाम क्लियर करना बहुत मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि जो तैयारी आप अपने एयरफोर्स एग्जाम के लिए करते हैं वो आपको काफी हेल्प करती है आपके एफकैट के एग्जाम में, स्पेशली टेक्निकल के स्टूडेंट्स को। एफकैट के एग्जाम में 100 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें इंग्लिश के 30, रीजनिंग के 35, अर्थमेटिक्स के 15 और जीएस के 20 क्वेश्चंस होते हैं लगभग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एफकैट एनसीसी एंट्री और मेट्रोलॉजी एंट्री के साइकिल के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में, सिलेबस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया, कट ऑफ, हाइट एंड विजन रिक्वायरमेंट और एंटायर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। एफकैट के साइकिल की बात करें तो एफकैट का एग्जाम साल में 2 बार होता है। पहला नोटिफिकेशन इसका 1 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच आता है नॉर्मली, और इसका एडमिट कार्ड 3 वीक्स बिफोर एग्जाम आ जाता है। एडमिट कार्ड ऑनलाइन ही मिलता है, आपके ईमेल पर ही आता है, और आप www.fcat.cdse.in पर जाकर लॉगिन कर डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम डेट इसकी फेब मंथ के 3rd वीकेंड में होती है, 3rd शनिवार और रविवार को, हाफ एप्लीकेंट्स का शनिवार को और हाफ का रविवार को एग्जाम होता है। एग्जाम डेट 22, 23, 24 या 25 होती है नॉर्मली। इसका रिजल्ट 15 से 20 दिन के अंदर आ जाता है एग्जाम के, और इसका AFSB शेड्यूल रहता है अप्रैल से जून महीने के बीच। मेडिकल इसका AFSB के तुरंत बाद होता है, रिजल्ट इसका अक्टूबर नवंबर के मंथ तक फाइनल आ जाता है, और ज्वाइनिंग आपकी फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में होती है। और जो इसका दूसरा साइकिल है उसकी नोटिफिकेशन नॉर्मली 1 जून से 30 जून के बीच आती है। एडमिट कार्ड 3 वीक्स बिफोर एग्जाम अगस्त महीने के शुरुआत तक आ जाता है, और इसका एग्जाम अगस्त के 3rd वीकेंड में होता है, और इसका रिजल्ट 15 से 20 दिन के अंदर आ जाता है, और AFSB इसका अक्टूबर से दिसंबर के बीच में हो जाता है। मेडिकल अगेन AFSB का फौरन बाद कंडक्ट होता है, और इसका फाइनल रिजल्ट फेब या मार्च के मंथ में डिक्लेयर हो जाता है, और ट्रेनिंग आपकी फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में शुरू हो जाती है। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम ऑनलाइन होता है, क्वेश्चंस सिर्फ इंग्लिश में होते हैं, क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। इंडियन एयरफोर्स के ग्रेड को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है, फ्लाइंग ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल। जो लोग फ्लाइंग ब्रांच या ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के लिए अप्लाई करते हैं उन्हें सिर्फ एफकैट का एग्जाम देना पड़ता है, और जो लोग ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए अप्लाई करते हैं उन्हें एफकैट एंड EKT दोनों पेपर के लिए अपीयर होना पड़ता है। एफकैट मींस एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट एंड EKT मींस इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट। एफकैट का जो एग्जाम है उसका होता है 2 आवर्स, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। टोटल मार्क्स जो होता है वो होता है 300 मार्क्स, एंड EKT के पेपर में आपको मिलते हैं 45 मिनट्स, और नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 50, और टोटल मार्क्स होते हैं 150। एफकैट और EKT दोनों में ही एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, और निगेटिव मार्किंग भी है इसमें, एक क्वेश्चन रॉन्ग करने पर 1 मार्क्स डिडक्ट होते हैं। कट ऑफ की बात करें तो एफकैट में कट ऑफ 140 से 160 मार्क्स के बीच में होता है, EKT में कट ऑफ 40 से 60 मार्क्स के बीच में रहता है नॉर्मली। अगर एफकैट के सिलेबस की बात करें तो इंग्लिश में कम्प्रहेंशन, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस कम्प्लीशन, फिलिंग इन ऑफ करेक्ट वर्ड्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड टेस्टिंग वोकैबुलरी, इडियम्स एंड फ्रेजेस, जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटिक्स, करंट अफेयर्स, एनवायरमेंट, बेसिक साइंस, डिफेंस, आर्ट, कल्चर, स्पोर्ट्स, ETC टॉपिक से क्वेश्चंस होते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी में डेसिमल, फ्रैक्शन, टाइम एंड वर्क, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, रेशन एंड प्रोपोर्शन एंड सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट में वर्बल स्किल्स एंड स्पेशल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी क्वेश्चंस मैट्रिकुलेशन लेवल का, बाकी सब्जेक्ट्स का लेवल ग्रेजुएशन लेवल्स का होता है। एफकैट का एग्जाम सैटरडे और संडे 2 दिन होता है, और दोनों दिन 2 शिफ्ट में एग्जाम करवाया जाता है। तो जिन एस्पिरेंट का एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट में होता है उनका रिपोर्टिंग टाइम 8 AM होता है, 8 से 9:30, ये जो 1.5 घंटे का टाइम है, इस बीच आपका एडमिट कार्ड
आईडी प्रूफ, ये सारी चीज़ें चेक होती हैं। बायोमेट्रिक्स होता है, फोटो थंब इम्प्रेशन चेक होते हैं और साथ ही आप अटेंडेंस शीट साइन करते हैं और आपको एग्जाम हॉल में आपकी सीट पर बैठने को कहा जाता है। और 9:45 से 11:45 दो घंटे आपको मिलते हैं एफकैट एग्जाम देने के लिए। अगर आपका पेपर सेकंड शिफ्ट में है तो आप 12:30 बजे दोपहर में रिपोर्ट करेंगे। 12:30 से 2 आपका वेरिफिकेशन होगा। 15 मिनट्स आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए मिलते हैं। 2:15 से 4:15 आपको एग्जाम देने के लिए मिलेंगे और वो लोग जिन्होंने ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए अप्लाई किया होता है उनका जो EKT का पेपर होता है वो सिर्फ सेकंड शिफ्ट में होता है। इसमें भी आपको 15 मिनट्स इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए मिलते हैं। 4:30 से 5:15 आपको मिलते हैं आपको EKT का पेपर करने के लिए। 100+ सेंटर्स बनाए जाते हैं एफकैट के लिए। हर स्टेट में 3-4 सेंटर्स होते हैं। आपको एग्जाम देने के लिए बहुत ज्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ता। सेंटर्स के नाम आपकी स्क्रीन पर है, आप पॉज करके देख सकते हैं। और अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो फ्लाइंग ब्रांच के लिए आपने ग्रेजुएशन कर लिया हो या आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में पढ़ रहे हो, ग्रेजुएशन में आपके 60% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। एग्रीगेट मींस आपके ओवरऑल 60% मार्क्स होने चाहिए। फ्लाइंग ब्रांच के लिए आपका ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से हो सकता है, आर्ट, कॉमर्स, साइंस, इंजीनियरिंग, पर 12th में आपका मैथ्स और फिजिक्स होना अनिवार्य है। दोनों में आपने 60% मार्क्स स्कोर किए होने चाहिए। बीई बीटेक के स्टूडेंट्स के लिए जो प्रावधान है वो ये है कि आपने 4 इयर्स की इंजीनियरिंग की हो विद एग्रीगेट 60% मार्क्स, या फिर आपने एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग से एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के एग्जामिनेशन का सेक्शन ए और बी क्लियर किया हो विद 60% मार्क्स। ये जो पॉइंट है एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूशन या एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये पॉइंट ना सिर्फ फ्लाइंग ब्रांच में बल्कि ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल एक्सेप्ट एजुकेशन ब्रांच हर जगह एप्लीकेबल होगा। तो अब बढ़ते हैं आगे एयरफोर्स की ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांचेस के लिए। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच, लॉजिस्टिक ब्रांच के लिए आपने ग्रेजुएशन किया हो किसी भी स्ट्रीम से विद एग्रीगेट 60% मार्क्स। एयरफोर्स की नॉन टेक्निकल ब्रांच, अकाउंट के लिए आपने बीकॉम किया हो विद मिनिमम एग्रीगेट 60% मार्क्स। तो बेसिकली एयरफोर्स की ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के लिए वो सभी लोग एलिजिबल हैं जिनके ग्रेजुएशन में एग्रीगेट 60% मार्क्स किसी भी स्ट्रीम से। अगर आपके 12th में फिजिक्स और मैथ्स नहीं थी तो एलिजिबल है एयरफोर्स ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांचेस के लिए। अगर एजुकेशनल ब्रांच की बात करें तो रिक्वायरमेंट है कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क्स। आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हो सकता है MBA, MCA या फिर MA, MSc इन इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, स्टैटिक, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल स्टडीज, डिफेंस स्टडीज, साइकोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, IT, मैनेजमेंट, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, पब्लिक रिलेशन। एजुकेशनल ब्रांच के लिए आपका 60% एग्रीगेट मार्क्स होना अनिवार्य है अगर आपने 12th के बाद 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स किया है जैसे BA, LLB वगैरह। तो उसमें आप ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन अलग अलग तो नहीं करते, इसलिए इसमें आपके लिए 50% एग्रीगेट मार्क्स का क्राइटेरिया है। एजुकेशनल ब्रांच में भी 12th में मैथ्स और फिजिक्स वाला क्राइटेरिया नहीं है। अब बात करते हैं ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल की। तो इंडियन एयरफोर्स में टेक्निकल ब्रांचेस को 2 ग्रुप में बांटा गया है, एरोनॉटिकल इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोनॉटिकल इंजीनियर मैकेनिकल। दोनों के लिए क्राइटेरिया सेम है कि 12th में मैथ्स में और फिजिक्स में 60% मार्क्स हो, 4 इयर्स की इंजीनियरिंग में 60% मार्क्स हो, या फिर वही सेक्शन ए एंड बी वाला पॉइंट जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। आपने इनमें से किसी भी स्ट्रीम से इंजीनियरिंग किया हो आप पॉज करके देख सकते हैं। एरोनॉटिकल इंजीनियर मैकेनिकल के लिए इनमें से किसी स्ट्रीम से इंजीनियरिंग की हो, जब आप एफकैट का फॉर्म भरने के लिए www.fcat.cbse.in पर जाकर रजिस्टर कर लेते हैं, आपके पास ये 3 ऑप्शन होते हैं, एफकैट एंट्री, NCC एंट्री और मेट्रोलॉजी एंट्री। NCC स्पेशल एंट्री एक डायरेक्ट एंट्री है, एफकैट का रिटन एग्जाम नहीं देना पड़ता, आपको डायरेक्ट SSB इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। SSB मींस सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, एयरफोर्स में इसे AFSB कहते हैं, एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड। तो बिना किसी एग्जाम दिए आपको पायलट बनने का मौका मिलता है NCC के द्वारा। इसके लिए अनिवार्य है आपने फॉर्म आने के बीच पहले 2 सालों के भीतर NCC एयरविंग सीनियर डिवीजन C सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो। अगर आपका सर्टिफिकेट पुराना है तो आप एलिजिबल नहीं है। मींस NCC ग्रेजुएशन के दौरान की जाए ना कि स्कूल टाइम में, या अगर स्कूल टाइम में किया है तो C सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई ना किया जाए। NCC एंट्री से आप सिर्फ फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपका बाकी एजुकेशन का क्राइटेरिया फ्लाइंग ब्रांच वाला ही है, 60% इन ग्रेजुएशन, 60% इन मैथ्स एंड 60% इन फिजिक्स इन 12th, ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से, 4 साल की इंजीनियरिंग की हो आपने विद 60% एग्रीगेट मार्क्स, या फिर एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का एग्जाम का सेक्शन ए एंड बी क्लियर किया हो विद 60% मार्क्स। मेट्रोलॉजी एंट्री भी एक डायरेक्ट एंट्री है, इसके लिए आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो किसी भी साइंस स्ट्रीम से,
मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ज्योग्राफी, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, इन्वायरमेंटल साइंस, अप्लाइड फिजिक्स, ओशियनोग्राफी, मेट्रोलॉजी, एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, जियो फिजिक्स, मेंटल बायोलॉजी। आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क्स एग्रीगेट होने चाहिए। आपने ग्रेजुएशन में मैथ्स और फिजिक्स पक्का पढ़ा हो, मैथ्स में 55% मार्क्स हो और फिजिक्स में 55% मार्क्स स्कोर किए हो आपने। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर एक कॉमन क्वेश्चन है, क्या फाइनल ईयर्स के स्टूडेंट एलिजिबल हैं? तो बिल्कुल, अगर आप फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं तो भी आप एफकैट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन होता यह है, जब आप मई या जून में फाइनल ईयर में एंट्री पाते हैं, उसके बाद जो एफकैट का फॉर्म जून में आता है, उसके लिए आप अप्लाई ना करें तो ही बेहतर है, क्योंकि ज्वाइनिंग नेक्स्ट ईयर जुलाई में होने वाली होती है। नेक्स्ट ईयर 30 मई तक आपको आपके ग्रेजुएशन की मार्कशीट जमा करनी पड़ती है। हमने देखा है कई स्टूडेंट जो SSB में जाते हैं और बताते हैं कि उनका फाइनल एग्जाम अप्रैल या मई में होने वाला है और उनका रिजल्ट जून या जुलाई तक आ जाएगा, उन्हें FSB से पहले ही दिन लौटा दिया जाता है ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। वहीं जो दूसरा फॉर्म आता है दिसंबर में, उसके लिए आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपने फाइनल ईयर की मार्कशीट जमा करने की जो डेट होती है वो होती है नेक्स्ट ईयर 15th of November, और उससे पहले ही जुलाई या अगस्त तक मोस्टली यूनिवर्सिटीज का रिजल्ट आ चुका होता है। फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को ये बात ध्यान में रखना चाहिए, अप्लाई करते वक्त जहां तक उनका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है वहां तक उनके एग्रीगेट 60% मार्क्स होने चाहिए। और एक बात, अगर आपने LLB किया हो तो आपको मौका मिल सकता है इंडियन एयरफोर्स के लीगल ड्यूटीज में इन्वॉल्व होने का। तो अगर बात की जाए उम्र की, तो FCAT या NCC एंट्री के थ्रू फ्लाइंग ब्रांच में अप्लाई करते समय आपकी उम्र 19 से 23 साल के बीच होनी चाहिए और ज्वाइनिंग के समय आपकी उम्र 20 से 24 साल के बीच होनी चाहिए। अगर आपके पास वैलिड कमर्शियल पायलट लाइसेंस है इशूड बाई DGCA, तो आपको उम्र में 2 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के लिए अप्लाई करते समय आपकी एज 19 से 25 और ज्वाइनिंग के वक्त 20 से 26 साल हो सकती है। मैरिटल स्टेटस की बात करें तो आप सिंगल होने चाहिए कम्प्लीटली अगर आप अंडर 25 है तो। ज्वाइनिंग के समय अगर आप डिवोर्स हैं या स्पाउस की डेथ हो गई है तो भी आप एलिजिबल नहीं है। वो लोग जो 25 साल से ऊपर हैं वो लोग मैरिड हो सकते हैं, पर ट्रेनिंग के दौरान उन्हें कोई छुट्टी नहीं मिलती और ना ही कोई ट्रेनिंग के दौरान अपने परिवार को अपने साथ रख सकता है। जब आप FCAT रिटर्न एग्जाम क्लियर कर लेते हैं या फिर NCC और मेट्रोलॉजी डायरेक्ट एंट्री के एप्लीकेंट्स हैं, तो आपको एक ईमेल आता है AFSB सेंटर्स और डेट चुनने के लिए। AFSB के सेंटर्स हैं AFSB देहरादून, AFSB मैसूर, AFSB गांधीनगर, AFSB वाराणसी। AFSB में पहले दिन स्क्रीनिंग होती है। ऑफिसर इंटेलिजेंस टेस्ट बेसिकली एक एप्टीट्यूड टेस्ट है जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप, इंग्लिश, रीजनिंग और अर्थमेटिक के क्वेश्चन होते हैं, और उसके बाद पिक्चर परसेप्शन और डिस्कशन टेस्ट होता है। इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं। जो लोग स्क्रीनिंग क्लियर नहीं कर पाते या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट हो जाते हैं, उन्हें वापस घर भेज दिया जाता है। और सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को अगले 4 दिनों में कई सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट, GTO टास्क, पर्सनल इंटरव्यू, इन स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। आखिरी दिन एस्पिरेंट्स को कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया जाता है कि वो सिलेक्ट हुए हैं या नहीं। फ्लाइंग ब्रांच के एस्पिरेंट्स को CPSS कंप्यूटराइज्ड पायलट सिलेक्शन सिस्टम और PABT पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट से गुजरना पड़ता है। ये वंस इन अ लाइफ होता है। इसमें फेल होने पर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के आधार पर आपको ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल या नॉन टेक्निकल के लिए कंसीडर किया जाता है। फ्लाइंग ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल तीनों में परमानेंट कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन का ऑप्शन होता है। परमानेंट कमीशन के ऑफिसर अपने रैंक के आधार पर सर्विस पूरी होने पर रिटायर होते हैं। वहीं शॉर्ट सर्विस कमीशन के ऑफिसर फ्लाइंग ब्रांच में 14 साल, वहीं ग्राउंड ड्यूटी में 10 साल बाद रिटायर हो जाते हैं। ग्राउंड ड्यूटी के ऑफिसर्स को भी डिपेंडिंग ऑन देयर रिकॉर्ड्स एंड परफॉर्मेंस अपनी सर्विस 4 साल बढ़ाने का मौका मिलता है। शॉर्ट सर्विस कमीशन के ऑफिसर्स को रिटायरमेंट के बाद पेंशन को छोड़कर एयरफोर्स की अन्य सभी सुविधाएं मिलती हैं। एयरफोर्स में ग्राउंड ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए आपकी हाइट मिनिमम 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फ्लाइंग ब्रांच के लिए 162.5 सेंटीमीटर। फ्लाइंग ब्रांच में पायलट का वजन -0.5 से +2 स्फेरिकल लेंस के साथ हो सकता है और -0.75 से +0.75 सिलेंड्रिकल लेंस के साथ, और विजन विदाउट ग्लासेस एक आंख का 6x6 और दूसरी आंख का 6x9 हो सकता है और विद ग्लासेस 6x6 होना चाहिए। लेकिन पायलट्स को चश्मा पहनना अलाउड नहीं है दूर के लिए, सिर्फ पास की नज़र कमजोर होने पर आप चश्मा पहन सकते हैं। बेशक आपका विजन 6x9 अलाउड है बिना चश्मे के, लेकिन यू शुड बी एबल टू परफॉर्म योर ऑल ड्यूटीज विदाउट ग्लासेस। और अगर ग्राउंड ड्यूटी की बात करें तो इसमें मोस्टली -3.55 से लेकर +3.5 तक अलाउड है पावर, और विजन बिना चश्मे के कितना भी चलता है और चश्मे के साथ 6x9 होना चाहिए दोनों आंखों का। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।